ब्रेक खत्म हो गया। खैर खैर खैर, हमारे पास यहाँ क्या है? प्रांत शुरू करते हैं। वो गई ना? बढ़िया। ये काम करेगा? हाँ। ओह, मैंने चाबी कहाँ रख दी? बैग में ही कहीं होगी। नहीं है, मैंने पक्का यही रखी थी। ये बहुत अजीब है। ज़ोई, ये ढूंढ रही हो? अरे वाह, तुमने मेरी मुंह की बात छीन ली। बाद में मिलते हैं। बच गया। हाँ, ये सब ये क्या है? क्या ये रैट है? ये नहीं हो सकता। ओ यार, ये मजेदार था। एक मिनट, ये असली नहीं है। तुमने ये सोचा भी कैसे? तुम्हारे लिए मजाक है? बहुत ही बड़ा मजाक है। और ये करके मजा आया। बस मेरी हिस्ट्री बुक्स इसमें हो। ओह हेलो ब्राउन आईज, क्या केविन मुझे देखकर हंस रहा है? मैं मान ही नहीं सकती। मैं, वो मुझसे प्यार करता है और वो यहाँ आ रहा है। नहीं, रायली को बुला रहा है। मैं कितनी बेवकूफ हूँ, वो कभी मुझ पर ध्यान नहीं देगा जब तक मैं उसके अटेंशन के लिए कुछ करूँ नहीं। और मेरे पास एक चीज है, चलो देखें। पार्ट की आवाज हमेशा काम करती है। हेलो पुरानी दोस्त, अभी से मजेदार है। चलो ये पार्टी शुरू करें। ये रहा हैप्पी कपल। अब कुछ आवाजें सुनने को मिलेंगी। ओह हाँ, मुझे बताओ फिर क्या हुआ? हे भगवान, रॉयली, ये मैंने नहीं किया। पक्का? चलो दोबारा ट्राई करेंगे। ओ नहीं, क्या तुमने ये होने दिया? नहीं। हाँ, ये बहुत अच्छा था, पर जरा इस जूसी वाले को सुनना। ये तो बिल्कुल असली वाली लगी। एक मिनट रुको, ये असली ही थी। मुझे मुझे जाना होगा। रॉयली रुको, इतनी भी बुरी बदबू नहीं है। रुको, मुझे ये सेब नहीं खाना चाहिए। मेरे पास इसके लिए बेहतर आइडिया है। मैं सेब में बस इन्हें लगा दूंगा इस तरह, और अब अपने आगे के दांतों को रंग दूंगा। ये प्रैंक बहुत मजेदार होने वाला है। चलो अब शुरू करें। मेरा मुंह, देखो इस सेब ने क्या किया। तुम्हारे दांत बाहर आ गए। ये बस मजाक कर रहा हूँ, बुद्धू बन गई। बेवकूफ, तुमने मुझे डरा दिया था। धूल मेरे आगे टिक नहीं सकती, सफाई कभी खत्म नहीं होती। ये यहाँ कैसे आ गया? ये नहीं चल सकता, तुम्हारा समय वहाँ खत्म होता है। ये गम का काफी बड़ा टुकड़ा है और स्टिकी भी, पता नहीं किसके हैं। केविन के बालों में ब्लॉन्ड है, पता नहीं। और उसका क्या? नहीं, उसके बाल काफी डार्क हैं। समझ में नहीं आ रहा। और वो लड़की, हो सकता है ये सिक्के हो। मैं पास में जाकर देखती हूँ। ये इसे मैच कर रहे हैं। अब मैं इसका क्या करूं? मुझे थोड़ी मदद चाहिए। अरे यार,
ये प्लेडो देखें, ये गम जैसी लग रही है ना। इस पर थोड़ी ग्लू लगाएं और एक छोटा मैग्नेट चिपका दें। मैंने ऐसा बंच बनाया। हाँ, इससे उसे सबक मिलेगा। आह, वहां जाकर देखती हूँ। आह, क्या दिन है। एओ, क्या ये चबाए हुए गम के पीसेस हैं? ऐसा कौन ही करेगा। ये प्लेडो है। ये क्या भी ने किया है। हे, क्या चल रहा है। ये तुम्हारा ही किया धरा है। तुम्हें अपने किए का सबक मिला। ये वही गम है। ये मेरी है। वुप्स, माफ कर देना, दोस्ती कर ली। ठीक है, सब माफ किया। चलो अब इसे शेयर करें। मैंने शेयर करने को कहा। अगर आपको लगता है कि केविन बाथरूम में जाकर अपनी शक्ल नहीं देखता तो आप उसे जानते ही नहीं। आह, तुम अभी भी वही हो। छोड़ो भी, अच्छे दिख रहे हो दोस्त। और जब आपको लगे कि केविन अपने आप को भूल गया है, वो एक और शीशा ढूंढ लेता है अपने आप को देखने के लिए। तुम्हारे बाल जरा हिले भी नहीं है जब से तुम बाथरूम से आए हो। मेरे लिए इंतजार मत करना, मैं क्लास में खुद आ जाऊंगा। शुक्रिया। शायद अगर मैं अपनी आंखों को आराम दूं, बस एक मिनट के लिए। केविन सो गया और यही समय है जब उसकी वैनिटी कुछ नहीं कर रही। मैं केविन को दिखाऊंगा कि उसकी शक्ल सब कुछ नहीं, बस उसमें थोड़ा बदलाव लाकर। और पता लगा, मेकअप बहुत तरीकों से इस्तेमाल होता है, जैसे नकली दाने बनाकर। और अगर आप थोड़ी ग्लू इस्तेमाल करेंगे तो आप असली में दिखने वाले व्हाइट हेड बना सकते हैं। आईशैडो के लिए शुक्रिया। क्या हुआ, पता नहीं तुम लोग इतना अजीब क्यों बर्ताव कर रहे हो। मेरा हेयर स्टाइल अच्छा दिखता है। ये मेरे चेहरे पर क्या है। मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। मुझे इसमें से कोई भी नहीं आता और टीचर जाग भी नहीं रहा। ये मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। जोई को सब कैसे पता है। हे, शेयर करोगी। समझ गया। फ्रेश लॉलीपॉप। हाँ, अच्छी कोशिश थी। बस एक आंसर। तुम्हें चॉकलेट पसंद है ना। सोडा? नहीं प्लीज, मैं फेल नहीं होना चाहता। मैं कुछ भी करूंगा। प्लीज जोई। हे, लिख कर बताओ। नहीं समझे। हिट, टडा, नेन। हे भगवान, इसे क्या हुआ है। हेलो, कोई है। हो गया। तुमने अच्छा ही किया होगा जोई। वाह, तुम अच्छे से पढ़कर आई हो। मैं बहुत समझदार हूँ। काफी अच्छे से पढ़ा है। वो अपने आप को बहुत तेज समझती है। अब देखना, ये बहुत मजेदार होगा। अच्छा किया जोई, बैठ जाओ। उसके चेहरे की हंसी तो देखो। आओ बैठो दोस्त। और हो गया। हे भगवान, क्या मैंने। हाँ बिल्कुल ब्रायन, तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए था। मैंने फाट नहीं किया। मजा आया है ना।